हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दिस इज द लोगो ऑफ द चैनल एंड माई सेल्फ बेपी सिंह। और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन वाइवा फॉर द जियोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स। और ये इस वीडियो सीरीज का ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं पेट्रोलॉजी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया है मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी एंड स्ट्रक्चर जियोलॉजी, ये दो पार्ट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले दो पार्ट में। और आज हम पेट्रोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। पहले दो पार्ट में जो हमने पोर्शन डिस्कस किए थे उन दोनों का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं जियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, उनको भी हम आने वाली वीडियोज में इंक्लूड कर लेंगे। तो आज हम पेट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी तीनों पार्ट को हम कवर करेंगे। अभी जो हमारा इग्नियस पेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। तो इग्नियस पेट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन द पेट्रोलॉजी और इग्नियस रॉक क्या होते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वाइवा के लिए। इसके अलावा इसमें इग्नियस इंट्रूजन जो होते हैं उसमें अलग अलग फॉर्म में इंट्रूजन होते हैं, डाइक, सील्स, बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, तो ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें कॉमन प्लूटोनिक रॉक्स के तो उनके वोल्केनिक इक्विवेलेंट पूछे जा सकते हैं, या वोल्केनिक रॉक बता करके आपको उनके प्लूटोनिक इक्विवेलेंट पूछे जा सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक्स, तो जो कॉमन इग्नियस रॉक्स हैं बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, पेगमेटाइट है, तो इनकी एटलीस्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इनका कलर कैसा होता है, किस साइज के ग्रेन साइज क्या होता है। तो इस तरीके के जो है कॉमनली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाइवा में। आगे अगर हम बात करें टेक्सचर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के टेक्सचर होते हैं, पोइकलिटिक टेक्सचर, पर्थिटिक टेक्सचर, एंटी पर्थिटिक टेक्सचर, तो इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो जितने भी टाइप के टेक्सचर हैं इग्नियस रॉक्स में वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। अगर हम ऑप्टिकल पार्ट की बात करें तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है कॉमन इग्नियस रॉक्स की, तो कि प्लेन पोलराइज लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाती हैं और क्रॉस निकोल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जाती हैं। तो इस तरीके से ऑप्टिकल जो पेट्रोलॉजी है उसको भी आपको कवर करके चलना है। आगे चलते हैं, इग्नियस पेट्रोलॉजी का पोर्शन जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे ग्रेन साइज कंपैरिजन हो सकता है कि प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक्स में कौन से कोर्स ग्रेन होंगे, कौन से फाइन ग्रेन होंगे, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वोल्केनिक कोर्स ग्रेन होते हैं या प्लूटोनिक कोर्स ग्रेन होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनरल कंपोजिशन पूछी जा सकती है जो कॉमन इग्नियस रॉक्स हैं, जैसे ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, रायोलाइट हुआ, उसमें मिनरल कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें मेजर जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में इसेंशियल और एसेसरी मिनरल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं इग्नियस पेट्रोलॉजी की अगर हम बात करें। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है फेज रूल का, फेज रूल जो कि इसकी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, फेज रूल को कैसे डिफाइन करोगे वो पूछा जा सकता है, या इसके जो अलग अलग पार्ट हैं जैसे एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, कंपोनेंट है फेज के बारे में है, तो इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी बनती है, कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं इग्नियस पेट्रोलॉजी में अगर हम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन आता है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं या सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उनको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में। तो उसमें जैसे उसमें मैट्रिक्स कंटेंट कितना है, और अगर पर्टिकुलर हम क्वार्ज की बात करें, फेल्सफर की बात करें, तो उसके बेस पे आर्कोज, ग्रेवेके, एरेनाइट, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी होती है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी और इनको अच्छे से आपको कमांड बनानी पड़ेगी। वाइवा में यूजुअली पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट यूजुअली रहता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन आप अच्छे से कवर करें। इसके अलावा जैसे ग्रेन साइज के बेस पे रुडेशियस, आर्नेशियस, आर्जिलेशियस रॉक्स होते हैं, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि रुडेशियस किसको बोलते हैं, आर्नेशियस किसको बोलते हैं, आर्जिलेशियस किसको बोलते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कॉमन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स यूजुअली प्रैक्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेडेड बेडिंग, क्रॉस बेडिंग, रिपल मार्क्स, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है। आगे अगर मैं बात करूँ सैंड ड्यून्स एंड इट्स टाइप्स, तो सैंड ड्यून्स का कंसेप्ट जो है कितने टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है। और अलग अलग डायरेक्शन से जब सैंड आती है या सैंड की सप्लाई है उसके बेस पे कितने प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यूजुअली वाइवा में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक कॉमन क्वेश्चन होता है क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और उनके एग्जाम्पल्स क्लास्टिक के और नॉन क्लास्टिक एग्जाम्पल्स, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। इसके अलावा और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जैसे लैमिनेशन है, लैमिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, बेड और लैमिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो जो थिकनेस का क्राइटेरिया होता है उसके बेस पे ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स में जो कॉमन मिनरल है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और सेडिमेंटरी फेसेस और इन्वायरमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो कि पर्टिकुलर जो सेडिमेंटरी रॉक है वो किस टाइप के इन्वायरमेंट में बनी है, मीन्स वो एरिड इन्वायरमेंट में बनी है या मैराइन इन्वायरमेंट में बनी है, तो उस तरीके से क्वेश्चन इस पर बनने के चांसेस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आगे है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्लोमरेट एंड ब्रेशिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेशिया को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रोमेटोलाइट, स्ट्रोमेटोलाइट के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट के बारे में, तो स्ट्रोमेटोलाइट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किसको बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। आगे हम बात करें ग्रेन साइज का, जब क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले में, फिर फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन जो इनका क्लासिफिकेशन आता है, तो उसमें जो साइज़ का क्राइटेरिया रहता है कि इतने से इतने अगर एमएम का ग्रेन साइज होगा तो उसको सैंड में रखेंगे, इसलिए सिल्ट और क्ले, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, सॉर्टिंग स्क्यूनेस और कुर्टोसिस कर्व, जब ग्रेन साइज को प्लॉट किया जाता है, कर्व जब इसका ड्राइव किया जाता है, तो उसके बेस पे ये कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, तो इसको आपके आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपको वाइवा से पहले अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अगर आप वाइवा में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। आगे आता है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एज यूजुअल जो आसान सा क्वेश्चन रहता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। उसके बाद मेटामॉर्फिज्म के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लूइड है, वो सारे फैक्टर्स क्या क्या रोल रहता है उनका, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोलिथ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, प्रोटोलिथ किसको बोलते हैं उसको आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटोलिथ के बेस पे कुछ जैसे कॉमन जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट है, मार्बल है, तो इनका प्रोटोलिथ क्या है, प्रोटोलिथ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। प्रोटोलिथ जो होता है पेरेंट मटेरियल को बोलते हैं, जब किसी मटेरियल का मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो पेरेंट मटेरियल जिससे वो पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, तो उसका पेरेंट मटेरियल जो होता है उसको प्रोटोलिथ बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, तो अलग अलग टाइप के जो मेटामॉर्फिज्म होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म है, तो इसी तरीके से कई प्रकार के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस टाइप के होते हैं, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो ये भी यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म फ्रॉम सेल लाइमस्टोन, तो ये एक कॉमन प्रोटोलिथ है, जैसे सेल है, अगर सेल का मेटामॉर्फिज्म होगा, स्पेशली अगर यहाँ पे थर्मल मेटामॉर्फिज्म की जैसे बात की जा रही है, तो सेल का अगर थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा या लाइमस्टोन का थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा तो कौन सी रॉक बनेगी, जैसे सेल से कौन सी रॉक बनेगी, लाइमस्टोन से कौन सी रॉक बनेगी, ठीक है। और एक एक सिक्वेंस आता है जो यूजुअली पूछ लिया जाता है, तो इसमें या तो मिसिंग टर्म पूछ सकते हैं, जैसे सेल है, सेल का जब प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है तो स्लेट बनेगा, फिर फिलाइट बनेगा, फिर सिस्ट बनेगा, तो ये एक सीक्वेंस रहता है, तो इसमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक कंसेप्ट आता है स्ट्रेस और एंटी स्ट्रेस मिनरल्स का, तो मेटामॉर्फिज्म में जो कि प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और अलग अलग प्रेशर कंडीशंस में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, तो उसके बेस पे स्ट्रेस और एंटी स्ट्रेस मिनरल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन से मिनरल्स स्ट्रेस मिनरल्स हैं, कौन से एंटी स्ट्रेस हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रैकेज प्रिंसिपल, तो ये भी मेटामॉर्फिज्म से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको जाकर के चेक करना है,
रैकेज प्रिंसिपल क्या होता है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में। आगे मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक फेसेस का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। अलग अलग मेटामॉर्फिक फेसेस जो हैं उनके नाम यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। तो 7 to 8 मेटामॉर्फिक फेसेस जो होती है कॉमन, उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एक पर्टिकुलर फेस के लिए कौन सी होगी। तो मेटामॉर्फिक फेसेस में जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर फेसेज में कौन कौन से स्टेबल मिनरल होगी, मिनरल असेंबलेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको कवर करना है। आगे अगर मैं बात करूँ, सबसे आसान सा क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि आपको कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम बताने हैं। कोई 5 मेटामॉर्फिक रॉक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, 4 पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें भी कई बार यूजुअली हम 1-2 पे जाकर के अटक जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद साथ साथ आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का भी आइडिया होना चाहिए जो कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स है। उसमें फिर अगेन यही आता है कि प्लेन पॉलीलाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, या क्रॉस निकोल में कैसी चेक करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इफेक्टिवली अगर आप वीडियो को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेन के साथ अगर वीडियो को देखेंगे तो आप जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, और आप इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, जैसे ही आपने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, तो हमारा वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी जो है बढ़ रही है, वीडियो जल्दी जल्दी अब आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को इसी तरीके से अच्छे से शेयर करते रहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और एक चीज़ और मैं देख पा रहा था कि आप जो है आंसर नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो भी स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं और जो भी आपको चाहे एक टर्म आती है, दो टर्म आती है, जो भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको अपनी जो आंसर करने की कोशिश करें, उससे वीडियो अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे और आप फिर उसको भूल नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। अगर इवन एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर कमेंट बॉक्स में भी नहीं आपको रिप्लाई करना है तो आप कम से कम अपनी कॉपी में जरूर ट्राई करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। और आपके माइंड में अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप डेफिनेटली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद नहीं आती है तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने का रीज़न हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं तो आप एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर पर्सनली आप मुझे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो JP बनवाला के नाम से मेरी ID है, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कई इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करें, और कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।